एस सी एस टी ओबीसी के लोगों को सवाल पूछ रहा हूँ, आपको बैठना चाहिए था ना सबसे पहले। कॉन्स्टिट्यूशन की सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी किसकी है? बाबा साहब को भूल गए हो? उनके त्याग को भूल गए हो? बाबा साहब ने कहा मुझे मरा हुआ मत समझना, जब तक इस देश का संविधान जिंदा है मैं जिंदा हूं। पहले इतनी असमानता भेदभाव के बीच पढ़ाई करना, बिना संसाधनों के पढ़ना, फिर जो यहां नहीं सीख सकते थे संस्कृत से लेके उसको जिस पे सारी पाबंदियां थी उसको बाहर जाके सीख के आना और इस मुल्क के लिए काम करना, बाबा साहब द्वारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। कितना प्यारा कॉन्स्टिट्यूशन, कितना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन आप सब लोग जानते हैं, और कितनी उस कॉन्स्टिट्यूशन में सबको कितनी आजादी है ये भी आप जानते हैं। तो देश के अंतिम व्यक्ति को भी बराबर के अधिकार, उसके सम्मान, उसके रोजगार, उसका स्वास्थ्य, उसकी सुरक्षा, उसकी पढ़ाई, सारी व्यवस्था बाबा साहब ने संविधान में की। लेकिन हमने बाबा साहब के का कोट पैंट तो देखा, लेकिन क्या हमने उनका त्याग भी देखा? कितना त्याग किया बाबा साहब ने, चार चार बच्चे कुर्बान किए। जब आरक्षण की बात आई, पूना पैक्ट हुआ, तो परेशान होके रोते हुए उन्होंने पूना पैक्ट किया, इसको रिजर्वेशन का नाम दिया गया, प्रतिनिधित्व आरक्षण, जो बाबा साहब ने रोते हुए किया, तड़पते हुए, दुख में, खुशी से नहीं। सेपरेट इलेक्टोरल और सेपरेट सेटलमेंट चाहते थे वो, लेकिन जब हमारे लोगों को परेशान कर दिया गया तो उन्होंने स्वीकार किया कि रिजर्वेशन पे हम पूना पैक्ट कर लेते हैं। अब मैं बहुत जरूरी बातें बता रहा हूं नौजवानों के लिए, बहुत सीखने की बात है। जिन्होंने बाबा साहब को नहीं पढ़ा, उनकी पीड़ाएं, उनका दुख को पढ़े, वो कितना दूर तक सोचते थे। उन्होंने, उनको लगता था कि आने वाले समय में जो मैं अधिकार देके जा रहा हूं उन पर हमले होंगे, तो उन्होंने एक लाइन में इसके बारे में कुछ कहा, वो ये था कि 18 मार्च 1956 को आगरा में उन्होंने एक भाषण दिया। वो भाषण ये था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, और ये बात उन्होंने बड़ी संवेदनाओं के साथ और दुखी मन से कही। और उसके बाद तुरंत उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया, वो ये था कि बड़ी मुश्किल से मैं इस कारवा को यहां तक लेके आया हूं, अगर आप इसे आगे नहीं बढ़ा सकते तो इसको पीछे मत जाने देना। जैसा मैंने बताया कि बाबा साहब की तड़प, उनका संघर्ष, उनका बलिदान, वो अमूल्य योगदान समाज के लिए, देश के लिए, उसकी तो कोई तुलना नहीं है। लेकिन इस कारवा को, इस लाइन को सुने आप, इस कारवा को अगर आप आगे नहीं ले जा सकते तो पीछे मत जाने देना। बहुत सारे लोगों को तो शिकायतें भी होंगी कि मैंने बंद बुला दिया, अकेले आदमी ने कर दिया। सर ये बताइए ना कि मैं एक लाइन में बात स्टार्ट करूं, रिजर्वेशन पे हमले कब से हो रहे हैं? पहले कोर्ट का आदेश आ जाता है कि 50% सीटें जो हैं, जो एस सी एस टी के ओबीसी के बच्चे हैं, अगर वो रिजर्व कोटे के अलावा रिजर्व कोटे में फॉर्म भरते तो रिजर्व कोटे में रहेंगे। 50% सीटें एक लाइन से अपर कास्ट के लोगों के लिए सुरक्षित कर दी गई। आप बोले नहीं बोले, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। इससे भी बड़ा हमला हुआ जब आर्थिक आधार पर आरक्षण का कानून इस देश में लागू हुआ। हमारे राजनीतिक दलों ने बड़ा समर्थन किया उसका, सब लोगों ने समर्थन किया। आर्थिक आधार पर आरक्षण इस देश में जो शैक्षिक पिछड़ापन और सामाजिक पिछड़ापन और प्रतिनिधित्व की जो कमी है उस पर पूर्ण रूप से हमला था, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया। अगर हमने उसी दिन विरोध किया होता, सड़क पे आए होते, तो शायद और हमले रुक जाते, लेकिन नहीं रुके क्योंकि किसी ने शुरुआत नहीं की। सब लोगों को लग रहा था कि शुरुआत कौन करे, सब लोग घर बैठे रहे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन के, बाबा साहब के सामाजिक न्याय के सिद्धांतों की हत्या हुई, सब लोग घर बैठे रहे, बहुत अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं। अब गवर्नमेंट ने निजीकरण करना स्टार्ट किया, सरकारी डिपार्टमेंट बेचने स्टार्ट किए। कितने आंदोलन हुए, कितनी बार लोग सड़क पे आए, कितने सवाल किए, कितने बंद बुलाए, कितने धरने प्रदर्शन हुए, किसने शुरुआत की? ये भी तो आरक्षण को खत्म करने की प्रक्रिया थी ना। सरकारी डिपार्टमेंट होंगे ना रिजर्वेशन मांग सकोगे। एस सी एस टी ओबीसी के लोग सोचे, वो लोग भी सोचे जो सवाल, जिनके मन में सवाल हो कि हम मध में क्यों सम्मिलित हो, वो भी सोचे। अब सुप्रीम कोर्ट ने हमला कर दिया इस देश के संविधान की मूल भावना पे। सबसे बड़ा 7 फरवरी को हुआ, होना तो चाहिए था। जो जागरूक लोग हैं, जिनको परवाह है, वो 8 को ऐलान कर देते कि हम सड़क पे आ गए हैं। इस देश के एस सी एस टी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को
ये जो लगातार सीएनआरसी पे हो रहा था, सीएनआरसी पे नागरिकता के नाम पे हमला हुआ, वोट बंदी करने का प्रयास किया, आपके फंडामेंटल और कॉन्स्टिट्यूशन राइट छीनने का प्रयास किया, कितने आंदोलन हुए, कितनी बार सड़क पे आए, मुस्लिम भाई बहन तो बैठे रहे, वो लगातार बैठे रहे कॉन्स्टिट्यूशन के पक्ष में, आप कितनी बार बैठे, SC ST OBC के लोगों को सवाल पूछ रहा हूँ, आपको बैठना चाहिए था ना सबसे पहले, कॉन्स्टिट्यूशन की सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी किसकी है, बाबा साहब को भूल गए हो, उनके त्याग को भूल गए हो, बाबा साहब ने कहा मुझे मरा हुआ मत समझना, जब तक इस देश का संविधान जिंदा है मैं जिंदा हूं। जब बाबा साहब ने कहा कि संविधान को सुरक्षित रखो जिंदा रखो, तो संविधान के साथ रोज छेड़खानी हो रही, आपको परवाह नहीं हुई। मैं बोल रहा हूं ये जो ऑर्डर है ये कह रहा है कि सरकारी नौकरियों में दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को नहीं मिलेगी नौकरी, ये कह रहा है ऑर्डर। कितने लोगों ने गांव गांव जाकर प्रचार किया, कितने लोगों ने गांव में जाकर जानकारी दी, गांव के लोगों को तो पता ही नहीं, हमारे 90% समाज को तो पता ही नहीं, भीम आर्मी के लोग जा रहे हैं, जो कुछ जागरूक लोग हैं वो जा रहे हैं, अधिकारी कर्मचारी टीचर्स बेचारे निकल रहे हैं, वो जाके सड़क पे काम कर रहे हैं, वो लोगों को तैयार कर रहे हैं, वो गांव गांव मैसेज पहुंचा रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, समाज के ठेकेदार बनते हैं। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, ना मैं कभी जीवन में करूंगा, बाबा साहब ने नहीं सिखाया अपने लोगों के खिलाफ बोलना, लेकिन ये आप ये याद रखिए, जब इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी के अधिकारों पे कुठारघात होंगे, हमले होंगे, तो मैं सबसे पहले बोलूंगा, मैं चुप नहीं रहूंगा, मुझे नहीं पता, और मुझे ये भी भरोसा है कि जैसे 2 अप्रैल से लेकर हमेशा मेरा साथ देगा, चाहे रविदास मंदिर आंदोलन हो, इस देश का नौजवान, इस देश की बहनें, इस देश की माताएं, वो 23 तारीख को भी इतिहास लिखेंगी, और मैं उन सब भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ, जिन्होंने OBC महासभा का, और वो सब लोग भाई हमारे जिन्होंने इसमें समर्थन किया है, उन सब लोगों का मैं दिल की गहरा स्वागत करता हूं, और मुझे ये भी पता है कि मुस्लिम भाई भी आगे आएंगे निकल कर और इस बंद को मजबूती से समर्थन देंगे, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं दोहरा रहा हूं, आप मुझे भाई मानते हैं, मुझसे भरोसा करते हैं, पूर्ण शांति प्रिय, हम सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले से या सरकार के किसी फैसले से सहमत नहीं है, वो हमारे जनहित में नहीं है, हमारे विरोध में, तो हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें, प्रोटेस्ट राइट टू प्रोटेस्ट हमें है, राइट टू प्रोटेस्ट हमें है, तो हम प्रयोग कर रहे हैं आर्टिकल 19 का, ये सुप्रीम प्रोटेस्ट कर सकते हैं CN, तो ये हमारा अधिकार है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, NRC CA और NPR और आरक्षण जैसे संवैधानिक ढांचे में, जिससे इस देश के SC ST OBC के लोग आगे बढ़ रहे थे, क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि जिस तरह का डिस्क्रिमिनेशन, जिस तरह का भेदभाव है, जहां आज भी दलितों को मूछे रखने पे, क्या करें सरकार से, प्रशासन से, सब लोगों से गोली की हो जाए तो वो न्याय दे, ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है, कमजोर व्यक्ति को न्याय देने की जिम्मेदारी, लेकिन जिस तरह के हमले हो रहे हैं ये गलत है, इसका विरोध करने के लिए हमें 23 तारीख पर आना है। तो जैसा मैं कह रहा था कि हमें करना क्या है, सबसे पहले प्रत्येक स्टेट में उनकी जो राजधानी है, कैपिटल में, आप लोग क्या करेंगे, SC ST OBC माइनॉरिटी के संगठन, क्योंकि ये एक जन आंदोलन है अपने अधिकारों के लिए,